साथी रे तेरे बिना भी क्या तेरे बिना भी फूलों में कलियों में सपनों की कलियों में तेरे बिना कुछ की याद में और इसके मस्तिष्क में जो भाई साहब अच्छा मैं तो मिटा हूं दिमाग का डिब्बा खुल गया एक ही ठोकर में कुछ याद आया रे पहचान तेरे सामने कौन खड़ा है वही पहचान अजगर से हराम चले अभी तो जिंदा है आजकल और मुझे मार उसी तरीके से मार जो मार क्या कह रहा था ये मेरा पर्सनल रूम है इसके अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं आ सकता और आज तो हम बाप बेटे के बीच में ऐसा फंसा है जैसे 32 दांत के बीच में चुभा और हम लोगों ने तुझे ऐसा जकड़ रखा है जैसे लोहे को मूर्छा जकड़ता अरे रस्सा लेकर के आओ इस शाले को इसकी वजह से हमारा भाई पीर सिंह मारा गया जब तक मैं अपने चाचा के दुश्मनों को मिटा नहीं दूंगा पापा तब तक मेरे दिल को चैन और शकोर ये बहुत जरूरी है तो एक काम करो शहर में इस बात का ऐलान करा दो कि कल इस सीबीआई की 7 बजे सुबह फांसी होगी जिस वक्त फांसी का नाम वो साला मक्कार अर्जुना सुनेगा तो तत्काल वो अपने चित्तौड़गढ़ की तरफ जरूर आएगा ये नजारा देखने के लिए क्योंकि सीबीआई भी उसका कुछ मददगार है मेरे दोस्त तू जुदा क्या हो गया सारी जिंदगी खो गई आज आज देख तेरे दोस्त का क्या हाल है इससे मुझे तो ऐसा लगता है कि तू नहीं रूठा आज सारा जहान मुझसे रूठ गया है हर तबस्सुम हर तबस्सुम खफा हो गया है हर तबस्सुम खफा हो गया है हर तमन्ना चुका हर तबस्सुम खफा हो गया है
तो हो गई है ऐ कमे यार तेरी मजा तो अब आएगा। एक के साथ सारे दुश्मन इकट्ठा जगह पर हो जाएंगे पापा। ओ तैर करने का वक्त नहीं, तत्काल चित्तौड़गढ़ में इस बात का ऐलान करवा दो। साथ क्या किसका? हम बाद में बोलो। क्या किसका रे ऐलान? तुम क्या बताओ? हाँ बताओ पापा क्या करना है। ऐलान करवा दो कि इसकी 7 बजे फांसी होगी। और जब ये खबर उस साले अर्जुना को मिलेगी तो दौड़ता हुआ हवेली को आएगा। फिर दुश्मनों को मारने में हमें ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। ताकत नहीं लगाएगी, दुश्मनों को ढूंढने नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद साले अपनी चौखट पर आ जाएंगे। आ जाएंगे तुम जाओ। फिर एक एक से हम देखो कैसा गिन गिन करके बदले चुकाते हैं। तुम जाओ हवेली के अंदर बड़े वाले फाटक के सामने फांसी का तख्ता तैयार करवाओ। तब तक हम इस चित्तौड़गढ़ के अंदर मुनादी करवा दो। और हम जाते हैं अपने जाओ पापा जा। सुनो तुम जाओ इसी वक्त डुग्गी वाले को बुला करके लाओ। गुड्डी नाय है मैं क्या गई गुड्डी रे सो मिली रहा है। हम गुड्डी की बात नहीं कर रहे हैं, हम डुग्गी की बात कर रहे हैं। डुग्गी मतलब मुनादी समझते हो? ढिढोरा समझते हो? अच्छा अच्छा वही जो मेहतर लोग करते हैं। अरे मेहतर से मेहतर तो हम हैं। तो ये मेहतर वाला काम तू कर लेता है? हवेली पे काम करने से पहले तो पहले मेहतर का काम करते थे। तो इसका मतलब मेहतर हो क्या रे? नहीं झाड़ू लगाते थे। अच्छा अच्छा क्या क्या काम करते थे? नाली साफ कर देते थे। नाली साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे और टट्टी साफ कर देते थे। अच्छा टट्टी साफ कर रही हो? टट्टी नहीं साफ करवाना है, हमें ऐलान करवाना है। क्या हैरान करवाना? हैरान ना कह दो, बुखार पैदा करेगा। ऐलान करना है। और किस बात का ऐलान करना है? वो पहले अपनी डुग्गी लेकर के आओ, फिर हम बताते हैं क्या। अभी जा रहा हूँ। जा उठाओ करके लाओ। हमारी बात पहले तू समझ ले कि कहना क्या पड़ेगा। बोलिए। जो मैं कहूंगा वही तुझे कहना पड़ेगा। जो आप कहेंगे वही हम कहूंगी। कहूंगी नहीं कहूंगा। कहूंगा गूंगा ना कह दो बहिरा। कहूंगा एक बार कहो। लगनेगा एक बार गा। कहूंगा कहूंगा। अब हमारी बात जरा कान खोल कर सुन ला। बस आप जो कहेंगे वही तुम्हें कहना है। कहना जिला चित्तौड़गढ़। जिला चित्तौड़गढ़ सूबा राजस्थान। सूबा राजस्थान रियासत शांति नगर के लोगों। रियासत शांति नगर के लोगों आप लोगों को सूचित किया जाता है। आप लोगों को सूचित किया जाता है यहाँ के जमींदार। यहाँ के जमींदार प्रधान। प्रधान ठाकुर अजगर सिंह। ठाकुर अजगर सिंह और उन्हीं के लगते जिगर। और उन्हीं के लगते जिगर ठाकुर अभय सिंह। ठाकुर अभय सिंह सीबीआई अफसर को। सीबीआई अफसर को बंदी बना लिया है। बंदी बना लिया है। कल सुबह सात बजे बड़े वाले फाटक पर सीबीआई की फांसी होगी। ये दर्द भरा नजारा जिसे देखना है वो आकर देख सकता है। जाओ ऐलान कर दो जाकर। कौन कर दे जाकर तू करेगा रे आई? पैसे तू लेगा ऐलान? कौन तेरा बाप करेगा क्या? पैसा तू लेगा ऐलान? क्या तेरा बाप करेगा? क्या तेरा दिमाग खराब है क्या रे? उरे देख तो मैं कौन हूँ तेरे सामने। उरे तू दो कौड़ी का नौकर है रे। तू दो कौड़ी का नौकर है रे। जूता के मारेंगे। हम जूता के मारेंगे।
आए? आए? तुम हमारे जूते मारोगे? तुम हमारे जूते मारोगे? और ज्यादा दिमाग खराब होगा तो समझ लेना, ज्यादा दिमाग खराब होगा तो समझ लेना। तू हमारा क्या कर लेगा रे? तू हमारा क्या कर लेगा रे? हम तेरी खाल खींच देंगे, हम तेरी खाल खींच देंगे। तुम हमारी खाल खींचोगे? हमारी खाल खींचोगे। और हंटर उठाए तो समझ लेना क्या हाल होगा। हंटर उठाए तो समझ लो क्या होगा। तुम हंटर उठाओगे? तुम हंटर उठाओगे। तुम्हारी इतनी औकात है? तुम्हारी इतनी औकात है? तेरी मैया उठाओ अच्छा तू, उठाओ अच्छा तू, नहीं बनी हो, नहीं बने। बराबर बहस करोगे क्या रे? बराबर बहस करोगे क्या रे? हम 50 जूते मारेंगे साले, 50 जूते मारेंगे साले। तुम अपने बाप के हो हमारे 50 जूते मारो, तुम अपने बाप के हमारे 50 जूते मारो। हम तुम्हारे हंटर मारेंगे, हम तुम्हारे हंटर मारेंगे। हंटर मारोगे? हंटर मारोगे? उठाओ हंटर अपने बाप के, डांट दो अपने बाप। उरे ये नहीं कहना है रे, उरे ये नहीं कहना रे। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? तेरी मैया, तेरी मैया। उरे साले ये नहीं कहना है रे, उरे साले ये नहीं कहना रे। अरे पहले मेरी बात समझ ले रे, पहले मेरी बात समझ ले रे। नहीं मानी हो? नहीं मानी हो? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? और तमाचा मारेंगे, तमाचा मारेंगे, तमाचा मारोगे, तमाचा मारोगे, मार साले, हट जा रे। नहीं कहना है रे, ये नहीं कहना है रे। अरे पहले मेरी बात समझ ले, पहले मेरी बात समझ ले। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, और नंबर तीन, और नंबर लाओ निकालो, नंबर तीन करो, मारो। हड़काओ तो कहा है, दम निकाल ले कि बताओ तो कहा है, हड़काओ तो। नहीं हड़काओ, कोई कमी रह गई का भाई? अपनी जान तो कोई बात छोड़े नहीं, हो सके तो कहो छूट गई हो, है? कोई बात छूट गई का? नहीं तो बराबरी हमारी कर रहे हो क्या? है तो मैं तो कह रहा हूँ, जो कही वही करे। तुरी बहिर की साले, भाई कोई कमी तो रखे नहीं। अरे हमने कहा था जो बात हम कहेंगे हमारे कहने के बाद तुम्हें कहना है, आपके कहने के बाद। और क्या? और हम संघ है लागे साले, बराबर हंटर चला रहे हो, बराबर तमाचा। भाई हम सोच रहे कोई बात छोड़े त्योहार नहीं, तब हमारी गरमाए रहे। वही हम भी सोच रहे थे, ये साला नौकर कभी हमसे जुबान नहीं लड़ाता था। भाई हम नौकर है, मालिक की बात का पालन करना हमारा काम है। अब तुम उठाओ अपनी डुग्गी और ऐलान करो, उन्हें जूता मारेंगे 50। तुम जाओ, हम अभी पीट रहे। क्या पीटोगे? डुग्गी, ऐलान। हाँ। इस रियासत चित्तौड़गढ़ की गली गली चौराहों पर होना चाहिए। नापदान पर? नापदान ना कह दो, भौसड़ की नलियम हो ना, जैसे पीटर जाए रहे ना के ना पता नु पड़ेगा तो घूम ही बैठ, उसको नांग करके सीधे आगे बढ़ जाना, वहां पूछ ये ऐलान करके बहुत जल्दी हमेली आ जाओ, और ज्यादा बात ही ना करो, उन्हें जूता निकालेंगे अभी साले। गयो चौदह यही जानते हैं, हम कुछ जान ही नहीं आए, आप पॉइंट हम फांस पा रहा अब हगाए है थे। कही गया है ऐलान करो, अरे ऐलान तो रोज भवे करते, आज दाव पाइए हम, अब पहले कुछ मनोरंजन करीबा अब तीन जो आएंगे मुताए मरीबा ध्यान नहीं लागी। बाबा एक काम तुम्हारे जुम्मे छोड़ रहे हैं, अगर आ जाए तुरंत इशारा करो, उसे सर मरकहा बहुत है, मैं सर गड़क ही लागत है। अरे बुरला माई अर कोने में बैठे मो सरिया मो सौन कसामो जावे मो सौन कसामो
कहा रहा था बताओ तू? नहीं हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था बताई? जब तुम चली गई। हम चली गए, अब हम चले गए। जब तुम चले गए हाँ होंगी बड़ी खराबी। खराबी तो तुम्हारी वैसे हुई है साले। तुम चले गए हो हाँ। चले वही मिल गए। कौन कौन मिल गया? प्रधान मिल गए। पंकज प्रधान ये? हाँ हाँ पंकज प्रधान। क्या कहने लगे? कहा लगे कन्हैया जन्मली में। अच्छा तो यहाँ सरिया सुनाई दो। तो तुम जन्माष्टमी खुशी में यहाँ सरिया हाउ की रहे हो? हम पहले नगद ही माल ले। अच्छा हम पैसा देते नहीं। अरे तुम पता नहीं कब देती हो। हाँ हम लईमार है ना है? हम पैसा देते नहीं। ऐलान करके बहुत जल्दी हमें लिए आ जाओ साले। ए प्रधान अब तुम जाओ, आज तुम्हारा नहीं पीटीबा। आप पहले छोटे ठाकुर के पीछे जा रहे हैं। हमारी पिटी हाउस आपकी डुबकी। हमारे कहने के मुताबिक हमारे नाम का जो हमने कहा है वो ऐलान तुम्हें इसी रियासत में करना है। बिल्कुल करना। तुम हमारी पिटी हो क्या? तुम्हारे पन नंबर धर रहे हैं। हम पन नंबर न जूता निकालेंगे साले। तुम्हारी डुबकी पर बहुत जल्दी ऐलान करके हमेरी आओ साले। वक्त ज्यादा ना होने पाए समझ लेना। ऐलान कह दी सारा बकी मारी तो मारी हगाई मुताई मारी। दोस्तों आप लोगों को सूच दिया जाता है जिला चित्तौड़गढ़ सूबा राजस्थान के जमींदार ठाकुर राजगढ़ सिंह, उनका बेटा भाई सिंह, उनका ऐलान है कि सीबीआई पिसाल को ठाकुर साहब और उनके बेटा अभय सिंह बंदी बनाकर रखा है। सभी लोगों से यह सूचित किया जाता है कल सुबह 7 बजे बड़े वाले फाटक पर सीबीआई ऑफिसर की फांसी होगी। यह दर्द भरा नजारा जिसे देखना हो सुबह 7 बजे बड़े वाले फाटक आएंगे जरूर आएंगे। पहचानो बिटिया, तुम हटाओ बुला रही है तुम्हें। इधर देख काहे बताई थी है? काहे बताई थी ना ना फिल्म नहीं बताई थी। पैसा दो फ्री में नहीं बताते हो? देंगे इतने देंगे कि कोई यह बात बताई आई थे ऊपर रूम तो तनिकाऊ ना। हाँ बदमाशी तनिकाऊ ना देखा हो? नहीं बदमाशी हम मिंटल में खोल दो उल्लू के पट्टे साले। औकात खोल दो, ये कौन ऐलान करवा रहा है? तो झेल नहीं मिली कौन छे कौन झेल ली। अरे जो अपने यहाँ के जमींदार अजगर सिंह है और उनका बेटा अभय सिंह वो सीबीआई विशाल है उनको बंदी बना कर रखा है। हाँ कल सुबह 7 बजे बड़े वाले फाटक में फांसी होगी। ये दर्द भरा नजारा जिसे देखना हो सुबह 7 बजे फाटक पे आ जाओ। चल यहाँ से निकल जाओ अर्जुन। सरदार जी अगर विशाल को फांसी हो गई तो हमारी कसम और प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। इसलिए उसकी फांसी होने से पहले चलकर हवेली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और विशाल की फांसी नहीं फांसी होगी अजगर सिंह प्रधान की। ऐलान होगा बहुत लंबी जयराम।
काम कर रहे हो रे? आज तुम्हारी हो रही क्या? अब पर्ची आवे वाली है। जब हम काश्तकारी का धंधा करते हो तो पर्ची नहीं आए नहीं क्यों गए? तुम्हारी भंजाई वाली पर्ची। अच्छा साले तुम कोई बात कहना दूसरी चाहते हो लेकिन साले पर तू धर दे। तुम अपनी बात अपने पास रखो। वो साला सीबीआई बहुत साला तड़फड़ा रहा था। अब तुम एक काम करो रे रमुआ, रे जाओ सीबीआई को जरा काल कोठरी के बाहर निकालो साले को, उसकी गर्मी जरा शांत करे। पापा जरा हंटर हाथ में ले, ये हंटर उधर उठाओ और जरा उसकी गर्मी। ना करो, उसे लेके आओ। क्या कहा था? हमने क्या कहा था सीबीआई? जब तक तेरे पास कोई पक्का ठोस सबूत ना हो तब तक मेरे पीछे मत पड़ना, वरना तेरी जिंदगी को नरक से पत्थर बना दूंगा। तू मुझे सजा दिलाना चाहता था ना, लेकिन तेरा सपना अधूरा रहेगा सीबीआई। अभय सिंह हाँ, वक्त बदल गया। अच्छा अच्छा, वक्त बदल गया, वरना किसकी मजाल थी जो छेड़े इस दिलेर को। वक्त बदल गया, वरना किसकी मजाल थी जो छेड़े इस दिलेर को। बदल जाता है वक्त तो कुत्ते घेर लेते हैं। अपने आप को शेर कहने वाले हरामजादे, आज देखता हूं कि मेरे कहर से तुझे कौन बचाएगा। अरे जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। शाबाश बेटा, जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। और अगर तुझे बेमौत ना मारा तो अभय सिंह मुझे क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है? तो मुझे क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है? चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी। अरे तू पल दो पल का शायर है, पल दो पल तेरी कहानी है। तू पल दो पल का शायर है, पल दो पल तेरी कहानी है। पल दो पल तू है, पल दो पल तेरी जिंदगी। के धमकी किसे देता है अभय सिंह? मौत की धमकी किसे देता है? मौत से किसकी यारी है? मौत की धमकी किसे देता है? मौत से किसकी यारी है? अगर आज मेरी तो कल साले तेरी। जान जाती है जब दुश्मन दिलेर की, मेरे मरने की मुराद। जान जाती है जब दुश्मन दिलेर की, और रिवाल्वर इस वक्त देख ले तू अजगर अभय सिंह।
चलती हुई समय को परवाने क्या बुझाएंगे? चलती हुई समय को परवाने क्या बुझाएंगे? और जिन फड़ुओं को मुर्दा जलाना नहीं आता वो जिंदा को क्या?